Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. And today in this English class, we are going to read a funny poem, a comic poem, right? And the title of that poem is Daddy Fell into the Pond. Papa पॉन्ड में गिर गए, तालाब में गिर गए. नाम से लग रही है ना फनी. और एक फनी इंसिडेंट्स वाली पोम हम स्टार्ट करते हैं. एवरीवन ग्रम्बल्ड. ग्रम्बल्ड का मीन्स होता है हर एक को शिकायत थी. द स्काई वॉज ग्रे, यानी शाम का समय हो चुका था. स्काई क्या था? फुल ऑफ क्लाउड्स. वी हैड नथिंग टू डू एंड नथिंग टू से. हमारे पास कुछ करने के लिए ना ही था और ना ही अब कुछ बोलने के लिए बचा था. यानी बहुत ही बोरिंग डे था वो. वी वर नियरिंग द एंड ऑफ अ डिसमल डे. बस हम उस बोरिंग दिन को ख़त्म ही करने वाले थे. डिसमल यानी मिजरेबल, बेकार दिन, उदास वाला दिन. ठीक है. एंड देयर सीम टू बी नथिंग बियॉन्ड. और ऐसा लग रहा था कि अब कुछ होने ही वाला ही नहीं है. बियॉन्ड मानी मीन्स होता है फर्दर ऑन, यानी उसके परे कुछ दिख ही नहीं रहा था कि बस अब वो बेकार सा दिन बस ख़त्म ही होने वाला है. देन लेकिन अचानक क्या हुआ? डैडी फेल इनटू द पॉन्ड. डैडी पॉन्ड में गिर गए. एंड एवरीवन्स फेस ग्रू मेरी एंड ब्राइट. और अब सबके फेस जो थे वो किससे? खुशी. मेरी मीन्स खुशी से चमक उठे. एंड टिमोथी डांस फॉर शी डिलाइट. और जो टिमोथी है ये क्या है? उनका किड. ठीक है. एंड द किड नेम इज टिमोथी. तो वो नाचने लगा खुशी के कारण. वो नाचने लगा क्योंकि अभी तक सब बोरिंग चल रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा था. तो वो डांस करने लग गया. गिव मी द कैमरा क्विक, ओ क्विक. और उसने एकदम से क्या बोला? मुझे जल्दी से कैमरा दो, जल्दी, क्विक यानी जल्दी. ही इज क्रॉलिंग आउट ऑफ द डकवीड. ही इज यहाँ पर क्या होना है? ये ही उसके फादर. देखिए ये पॉन्ड में गिर गए ना, तो उसके फादर क्या कर रहे? क्रॉल करते हुए डकवीड से बाहर आ रहे हैं. अब ये डकवीड क्या होता है? डकवीड क्या होता है? स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स जो पानी के अंदर ही उगते हैं. आपने देखा भी होगा ना, कभी आप पॉन्ड देखा है आपने या लेक देखी है, तो उसमें ऐसे पानी के ऊपर प्लांट्स तैरते हुए आपको नज़र आ जाते हैं, राइट? तो वो होता है डकवीड. अब उनके फादर क्या कर रहे हैं? वो क्रॉल करते हुए डकवीड से बाहर आ रहे हैं. और ऐसे ही टिमोथी ने क्या किया? उनका फ़ोटो क्लिक कर लिया. देखिए क्लिक हो गया इनका फ़ोटो. देन द गार्डन सडनली स्लैप्ड हिज नी. वहाँ पर गार्डनर भी था और उसने अपने नीज को स्लैप किया. मतलब उसको खुशी, मतलब वो भी खुश हो गया देखकर कि ये सीन. उसने अपने नीज को स्लैप किया. एंड डबल्ड अप शेकिंग साइलेंटली. और यानी ज़ोरदार से उसने डबल किया, बार बार किया. और वो शेक भी हो रहा था, हिल भी रहा था साइलेंटली. एंड द डक्स ऑल क्वैक्ड. अब उस पॉन्ड में जो डक्स थी वो भी क्वैक करने लग गई. क्वैक क्या होता है? साउंड ऑफ द डक. जो डक साउंड निकालती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्वैक. एज इफ दे वर डैफ्ट. यानी वो इस तरह से क्वैक क्वैक करने लग गई जैसे वो सब क्या है? फुलिश, मूर्ख हैं. देखिए सारे लोग यहाँ पर हंसने का काम कर रहे हैं. ठीक है, सबके फेस ब्राइट हो गए हैं. यानी फुलिश ही तो हुए. सबको क्या करनी चाहिए? देखिए गार्डनर को भी मदद करनी चाहिए, राइट? लेकिन वो क्या कर रहा है? वो भी खुश हो रहा है, उसका बेटा उसकी फ़ोटो खींच रहा है. एंड इट साउंडेड एज इफ द ओल्ड ड्रेक लव्ड. अब यहाँ पे एक वर्ड आया है ड्रेक. ड्रेक क्या होता है? मेल डक. जो मेल डक है वो भी कैसे? वो भी हंसने लग गए इस सीन को देख कर. मेल डक भी हंस रहे हैं. ठीक है, फीमेल डक्स भी हंस रहे हैं. गार्डनर हंस रहा है. सब फैमिली मेम्बर्स भी हंस रहे हैं. सब उस सीन को इन्जॉय कर रहे हैं. ओ देयर वॉजेंट अ थिंग दैट डिडंट रिस्पॉन्ड. और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसने रिस्पॉन्स नहीं दिया हो, रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा. सब ने अपने अपना रिस्पॉन्स दिया अपने अपने तरीके से. ठीक है, कब दिया? वेन डैडी फेल इन टू द पॉन्ड. और जब कब दिया रिस्पॉन्ड उन्होंने? जब पापा पॉन्ड में गिर गए, तालाब में गिर गए. तो थी ना ये इंटरेस्टिंग सी पोम, डैडी फेल इन टू द पॉन्ड. आई होप ये इंजॉय किया आपने. अगर ऐसा इंसिडेंट्स हमारे साथ भी हो जाता है तो हमारे फेस पे फर्स्ट टाइम तो हंसी आएगी, राइट? चलिए, सो डैडी फेल इन टू द पॉन्ड. दिस पोम इज रिटन बाय अल्फ्रेड नॉइस, जिनका जन्म हुआ था 1880 एंड ही डाइड इन 1958. ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड प्ले राइट. वो क्या थे? एक इंग्लिश पोएट थे, स्टोरी राइटर थे और वो नाटक भी लिखते थे. बेस्ट नोन फॉर हिज बैलेड्स.
बैलेट्स क्या होती हैं? वीर गाथाएं जो पोएम के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। गीत, ही वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, कॉलेज की पढ़ाई, एंड एट द एज ऑफ 21, जब वो 21 ईयर्स के थे, उन्होंने अपना फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश किया था पोएम का, जिसका नाम था द लूम ईयर्स, जो 1902 में उन्होंने पब्लिश किया था, एंड विच वॉज रिसीव्ड लॉट ऑफ प्रेज, और जिसको बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं प्रेज यानी प्रशंसा, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफें हुई थी। देखिए आप देख सकते हैं, ये हैं एल्फ्रेड नॉइस, ठीक है। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं या इनकी पोएम्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं ओपन करके, तो आपको इनके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एल्फ्रेड नॉइस के बारे में। सो आई होप सबको ये पोम बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी और इन्जॉय किया होगा। डैडी फेल इन टू द पॉन्ड।